हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर मैं आप सबके लिए बीजीएमआई कम्युनिटी और ईस्पोर्ट्स से जुड़ी सारी मेजर अपडेट्स लेकर आ चुका हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। तो मार्केट में एक नया पिकाचू पैदा हुआ है जिसका नाम है इट्स देव, जो कि रोस्टिंग के नाम पर सभी जो स्ट्रीमर हैं यूट्यूबर्स उनको भर भर के गालियाँ देते हैं। पहले उसने स्काउट को रोस्ट किया था तो उसकी जो ऑडियंस थे उन्होंने उसको अच्छा सा जवाब दिया था, बट उसने अब सारी हदें पार करके जोनाथन को रोस्ट कर दिया है और उसने रोस्ट के नाम पर जो गालियां बकी है और सोल को और गोडल को कंपेयर करके जो उसकी ऑडियंस है उसमें आग लगाने का काम किया। तो जब घातक और नियो को इस रोस्ट के बारे में पता लगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे और उन्होंने रिप्लाई किया है इट्स देव को। तो आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरे चूती है ये, जो लेवल पे जॉनी है ना भोसड़ी के, वो लेवल के पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करती पड़ती है ना मादर चोद को पता नहीं है। ये देखो ऐसे बंदे आते हैं गाइस ट्रिगर करने, ऐसी चीजें बोलते हैं। देखो रोस्टिंग करना यार, रोस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, मुझे किया, बहुत सारी चीजों मतलब रोस्ट किए। अभी आजकल देखने को भी मजा आता है, मालूम है क्या? पर ये क्या है भाई, इसको थोड़ा ये चाहिए। दे दो भाई सच में, प्यार दे दो इसको, ज्यादा दे दो फेम दो गाइस। YouTube लिंक दे रहा है इसको, दो भाई इसको फेम चाहिए गाइस, फेम दे दो इसको। छी बे कितना गंदा लग रहा है भाई वो, किस बोलूंगा गाइस। ये रही बात अक्षय गॉब्लिन इमोर्टल सॉरी ये ओमेगा और हेक्टर भाई, ये बंदों के साथ तो कुछ सीन है भी नहीं भाई, इतने अच्छे बंदे हैं, कभी जिंदगी में आज तक कभी किसी चीज में पड़ते नहीं है, अपने गेम से गेम रखते काम से काम रखते, गेम बस खेलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, स्पोर्ट्स में मेहनत करते रहते हैं, बेफालतू का गाली भी नहीं भेजो, क्या चूते गिरी है। और आज तक हमारे बंदे ऐसा कभी भी आज तक कोई हमको अगर उंगली करता है ना तब तक हम लोग अभी किसी को फालतू में उंगली नहीं करते भाई, इतने अच्छे बंदे हैं वो। मतलब मैं ऑनेस्टली मेरे को मालूम है नहीं जितना, ओमेगा से भी मेरी बात होती रहती है, ये अक्षत से इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन देखता हूँ ना यार मैं उनको, देखता हूँ उनका ग्राइंड देखता हूँ। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स में वो बंदे उनका कभी कभी जब भी स्ट्रीम करते वो बहुत रेयरली स्ट्रीम करते, बट तो स्ट्रीम्स भी देखता हूँ उनके, मैं नई नई चीज़ें मैं मेरे प्लेयर्स को भी बोलता हूँ देखो भाई क्या कर रहे हैं अलग, क्या अच्छी चीज़ें क्या मतलब अपन सीख सकते हैं सारी चीज़ों से, अच्छे बंदे हैं भाई फालतू में। ये आपको पता है क्या, ये मेन रीजन है पता है, ये जो बंदे आते हैं ना, ठीक है तू रोस्ट कर ब्रो हेल्दी वे में रोस्ट करना, ये क्या चीज है भाई डायरो। और मेन चीज क्या है ना, ये 1v4 की बात कर रहा है, अरे 1v4 से हमको फर्क भी नहीं पड़ता भाई, बहुत लोगों ने किया, एक बंदे ने नहीं किया, 10 के अभी तक हम लोगों के करियर में हमको 50-100 लोगों ने 1v4 किया रहेगा, लेकिन हमारे 1v4 के वजह से हम लोगों ने किसी को कुछ बोला है क्या भाई जाके हमको 1v4 किया तो हम लोगों ने उसको क्या हेड दिया है क्या, अप्रिशिएट ही करते हैं ना हम लोग। उल्टा मैंने तो कितने सारे लोगों ने हमारी टीम को 1v4 किया था, सारंग ने एक बार, सारंग जब नहीं था ना 7C में, दो बार उसने 2 या 3 बार 1v4 किया था मेरी टीम को गेम बैन के पीरियड के टाइम पे, उसने इशारे वो मॉन्ट्रियल से उसको हेड मिल रहा था बेचारे को, ना बेचारा क्या हो गया, गाली गाली दे रहा है भाई, बहुत टाइम से ट्राइहार्ड वाइड कर रहा रहेगा, इससे कुछ हुआ हुआ नहीं। कुमार सैनी स्ट्रीमर ट्रेडर इन्वेस्टर पिक फॉलो करके ये सब्सक्राइब करके क्या रोस्ट होता है वो तो गाली तो मैं भी देता था क्योंकि मैं रोस्टर हो गया। ये चूते लोगों के पैसे से आधे से ज्यादा कम्युनिटी में झगड़े होते हैं जो ऐसी हरकतें करते ना, और जॉनी तो ऐसा बंदा है जिंदगी में आज तक उसने किसी को गाली नहीं दी, रियल लाइफ में भी नहीं देता है वो गाली, ये ऐसा मतलब दूर दूर तक सोचने वाली भी बात नहीं है ये जो बोल रहा है चूतिया, तो उसको दो मादर चोद को फेम दो जरा चूतिए को, क्या अजीब सच में नहीं वो बोला, सही बात बोला है चूतिए की शक्ल क्या है इसकी चूतिए की, स्ट्राइक तो पड़ेगी इसको, अभी अभी शांतनु को नीचे जाके मैं वही चीज बोलूंगा, स्ट्राइक तो मिलेगी भाई। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो निंजा कल रात को स्ट्रीम कर रहे थे जहां पर उनसे लोग पूछ रहे थे कि तुम सोल को हेट क्यों करते हो, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नर्क लगेंगे ना ब्रो, सोल से इतना जलते क्यों गाइस, मैं जलता नहीं हूं, और मैं बोलूंगा बात तो फिर भी ऐसे है कि इसकी फोटो में लिपटी मैं क्यों उनसे जलवा बताओ, वो लोग इतना सही तारीफ मत करो गाइस, देखो सदमे में चला जाएगा, ये तो गलत बात तुम बोल रहे हो, सुनो सुनो, अरे तुम्हारी कह रही हूं अभी तुम्हारा कोई फेवरेट होता ठीक है, सदमे में चला जाएगा, तुम हमको नहीं पसंद करते ठीक है ना, तो हम थोड़ा ना तुम्हें जाके बोलते कि भाई तू हमको ये कर वो गाइस, अब मैंने जिनको देखा है ठीक है ना, अब मेरे को इतना नहीं पता तो मैं जिनको जानता हूँ इनको ऑब्जर्व किया हूँ, तो मेरे को फेवरेट है सबका, अलग अलग फेवरेट होता है ना, ऐसा नहीं होता गाइस। बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। तो आपको पता है कि यूडू के ऊपर हैकिंग के एलिगेशन लगे थे, तो फाइनली जो विलेजर ईस्पोर्ट्स है उन्होंने सस्पेंड कर दिया यूडू को, क्योंकि वो जो अपना पोव है वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए सोमराज ने ये इंस्टा पे स्टोरी डाली जहाँ पर ये डोगी वाला इमोजी था और उस पर लिखा है हुई 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 बहुत बुरा हुआ ब्रो। बढ़ते हैं हमारी लास्ट अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही दलजीत की तरफ से। तो दलजीत ने फाइनली BLT लीव कर दी है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, बट उन्होंने अपना जो इंस्टा का बायो है वहाँ पर लिख लिया है लुकिंग फॉर अ टीम। तो शायद अब हमें लगता है ओल्ड INDI दोबारा देखने को मिल सकती है, क्योंकि 420 का स्काउट के साथ खेलना, अब दलजीत का VLT लीव करना,
बाकी आपको क्या लगता है। सो यही था गाइस आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं डेली BGS ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज़ अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको ऐसे ही अपडेटेड रहना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय। माँ के कदमों में जन्नत है, सुन्नत है, मिन्नत तू कितनी भी कर ले, हाँ माँ नहीं मिलती, माँ नहीं मिलती, रिश्ते मिल